बहुत ही शानदार रेसिपी आपको आपके लिए मैंने बना के दिखाई है, आपके सामने डिश जिसका नाम है चिली चिकन। चिली चिकन कैसे बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती है, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो चिली चिकन कैसे बनती है देखिए वीडियो को लास्ट तक, आपको रेसिपी आएगी पसंद और बनाए अपने घर पे। तो थैंक यू सो मच, देखो वीडियो को कंटिन्यू। तो हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपने बाहर देखा ना कि वेदर बहुत ही कोल्ड है, मतलब मौसम बड़ा ठंडा हो चुका है और सर्दियाँ हो चुकी स्टार्ट। तो आज हमने भी सोचा क्यों ना आपके लिए एक नई रेसिपी बनाएं जिसे आप सर्दियों में खाना पसंद करते हैं, लाइक मंचाओ सूप, चिली चिकन, मंचूरियन, पनीर चिली, मतलब चाइनीज स्टाइल में। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजपुंडीर और आज मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ चिली चिकन। बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनेगी रेसिपी और आप देखें वीडियो लास्ट तक, पता लगेगा चिली चिकन कैसे बनते हैं और आप फिर उसे बनाएं अपने घर पर वीडियो को देख के। तो चिली चिकन का क्या है कि चिली चिकन बनेगा दो पार्ट में, एक पार्ट है वेजिटेबल। ये देखिए सारी कितनी हरी भरी वेजिटेबल यहाँ पे कलरफुल रखी है, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम, ये अनियन, ये स्प्रिंग अनियन और ये गार्लिक चॉप। और दूसरा पार्ट है इसमें चिकन मैंने रखी है थाई पार्ट चिकन के और ये एग। तो दोनों को मिला के बनती है चिली चिकन। चिली चिकन कैसे बनेगा आप करते हैं बनाना स्टार्ट। सबसे पहले जो मेरे पास वेजिटेबल वाला पार्ट है इसकी करेंगे कटिंग और उसके बाद जाएंगे चिकन वाली साइड में, उसको भी करेंगे रेडी और फिर फ्राइड करने के बाद बनाएंगे चिली चिकन। पास येलो बेल पेपर है, सबसे पहले इसको करेंगे कुछ इस तरह से कट और इसकी आप कोई भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको कर रहा हूँ इस टाइप में, रेड बेल पेपर है इसको भी सेम इसी तरह से। ये ग्रीन कैप्सिकम सेम इसका भी वही प्रोसीजर, इसको भी इसी तरह से काट देंगे। ये अनियन है मेरे पास, इसको भी वही सेम ये वाला पार्ट निकाल के और इसके भी इस तरह से करके ऑनियन को पूरा से खोल देंगे उसको इस तरह से। इन सारी वेजिटेबल को क्या करेंगे प्लेट्स में ले लेंगे, एक साइड में रख देंगे यूं। बस स्प्रिंग ऑनियन है, इसको हमने क्या करना है कि ज्यादा इसको फाइन चॉप भी नहीं करना, कुछ इस तरह से कटिंग करके इसको भी रख देंगे प्लेट के अंदर में। और भी चिकन वाला पार्ट है, चिकन के पार्ट की मैंने क्या की कि चिकन की थाई ली है, देखिए चिकन की थाई में इसमें जो फैट है साइड की, सबसे पहले हमने नाइफ के सारे इसे कुछ इस तरह से साफ कर देंगे। ये देखें अगर आप इसमें से फैट नहीं निकालेंगे तो चिकन आपका ऑयली हो जाएगा क्योंकि फैट भी अपना ऑयल छोड़ती है। बाद क्या करने कि हमने चिकन को कुछ इस तरह से पहले स्ट्रिप काटेंगे यूं और फिर इस तरह से इसके पीस बना देंगे। आपने ध्यान रखना कि पीस आपके एक साइज के बने, ना ज्यादा छोटे हो ना ज्यादा बड़े हो। और देखिए मैंने चिकन की इस तरह से क्यूब कट में काट दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर लेंगे कॉर्नफ्लोर 1.5 स्पून और ये मेरे पास है ऑल पर्पज फ्लोर यानी मैदा, मैदा के लेंगे 1 और 2 स्पून मैदा और इसकी कर देंगे सीजनिंग। ये मेरे पास है यहाँ पे रेड चिली पेस्ट, थोड़ा सा रेड चिली पेस्ट इसके अंदर डालूंगा। ये सॉल्ट स्वाद अनुसार, ये ब्लैक पेपर क्रश, थोड़ा सा इसके अंदर मैं व्हाइट पेपर डालूंगा और ये मेरे पास एरोमेट सीजनिंग है, आप चाहे तो बिना एरोमेट सीजनिंग के भी इसे बना सकते हैं। और ये एग है मेरे पास, एग को तोड़ के जाने देंगे इसके अंदर इस तरह से, पूरा एग इसके अंदर जाने देंगे, अच्छे से कर देंगे मिक्स यू ताकि जो जो मैंने इसके अंदर सीजनिंग की है सारी चीजें अच्छे से आपस में मिल जाए। और फिर लेंगे थोड़ा सा पानी और इसके अंदर जाने देंगे पानी। आपने जो इसका बैटर बनाना है इतना ठीक बनाना कि ना ये ज़्यादा पतला हो ना ये ज़्यादा ठीक हो। ये देखिए जो मैंने बैटर बनाया ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल अच्छी हो गई है, ना ये ज़्यादा ठीक है ना ये ज़्यादा थिन है, मतलब जब हम इसे स्पून में ले तो जो गिर रहे ना एक तार टाइप का, इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए ताकि आपके जो चिली चिकन के पकौड़े हो अच्छे से फ्राइड हो। और अब मैं इसके अंदर जाने दूंगा जो मैंने भी चिकन के पीस कट किए हैं डाइस कट में, इसको इसको जाने देंगे इसके अंदर और स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और फिर छोड़ देंगे इसे 5 से 7 मिनट के लिए, मैंने इसे बाहर ही रहने दे देने ताकि जो इसके अंदर जितनी भी मैंने सीजनिंग की है चिकन इसको अपने में ऑब्जर्व कर ले और हर एक चीज़ का टेस्ट इसके अंदर आए। फ्लेम आपकी मीडियम होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ना ज़्यादा स्लो हो ना ही ज़्यादा फास्ट हो, जितनी मीडियम फ्लेम पे आप इसे फ्राइड करोगे आपकी चिकन जो चिकन कुकड होगा तो बढ़िया से कुकड होगा।
इस तरह से सारा चिकन जाने देगी इसके अंदर। देंगे जब इसमें गोल्डन फ्राइड कलर आएगा तब हम इसको निकाल के बनाएंगे चिली चिकन। जब तक ये फ्राइड होता है तब तक हम इसकी दूसरी तैयारी जो वेज वाला पार्ट है उसके सौते करके और उसका इसकी हल्की सी सॉस बना के बनाते हैं चिली चिकन। अब पैन को करेंगे मीडियम गरम और इसके अंदर जाने देंगे रिफाइंड ऑयल। और सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगा ये चॉप मेरे पास गार्लिक है। चिली चिकन है तो इसके अंदर चिल्ली अवश्य जाएगी, मेरे पास रेड चिली है, आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी चॉप करके डाल सकते हैं। और ये चॉप सेलरी और इसे हल्का सा यूं टॉस करने के बाद हम इसको ज़्यादा कलर नहीं देना। और ये जो मेरे पास कटिंग है बेल पेपर वगैरह सारी चीज़ें जाने देंगे इसके अंदर इस तरह से। और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। ये मेरे पास रेड चिली पेस्ट है, हमने खुद ही बना रखा, आप इसकी जगह चिली सॉस यूज कर सकते हैं। ये 1 स्पून सोया सॉस, थोड़ा सा इसके अंदर टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे, 1/2 स्पून वाइट विनीगर और ये करस ब्लैक पेपर, सॉल्ट, एरोमेट पाउडर और हल्का सा वाइट पेपर पाउडर। इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि जो सॉस और जो मैंने इसके अंदर सीजनिंग की सारी अच्छे से मिक्स होके कुकड़ हो जाए और एक दूसरे से आपस में इसका मिक्स हो जाए। ये देखिए ग्लेज टाइप की बनी ना, देखो कितनी बढ़िया चिली चिकन सॉस बन गई आपकी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो चिली चिकन हमारा फ्राई हो रहा है चिकन उसको निकालते हैं बाहर और इसके अंदर ऐड करके टॉस करके और करेंगे सर्व। ये देखिए चिकन हमारा बढ़िया से फ्राई हो चुका है, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया, गोल्डन कलर। ये देखो गैस को करेंगे बंद और जो हमारी सॉस और वो बेल पेपर अनियन वो सारी चीज़ें इसके लिए बन रही ना, उस ऑयल को हल्का सा निकालने के बाद में सीधा जाने देंगे पैन के अंदर और इसको जाने देंगे पैन के अंदर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रेडी हो रही थी इस तरह से। अच्छे से मिक्स करेंगे, बस 1 मिनट इसको मिक्स करके अच्छे से। देखो चिकन आप देख रहे हैं कितना हमारा बढ़िया सा हो गया, ये तोड़ के देखते हैं चिकन, देखो कितना सॉफ्ट चिकन, ये नहीं हार्ड है, बहुत ही सॉफ्ट। और अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगा ये जो मैंने ग्रीन ओनियन काटे हैं ना, स्प्रिंग ओनियन, ये जाने देंगे इसके अंदर और चिली चिकन होगी आपके बनके तैयार। आप करेंगे इसे गर्मा गर्म सर्व। ये है चिली चिकन ड्राई। अगर आपको ग्रेवी बनानी तो आप इसके अंदर पानी ऐड करके थोड़ा सा कुकड़ करके उसके बाद हल्का सा कॉर्नफ्लोर घोल के कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो चिली चिकन बन जाएगी आपकी ग्रेवी। आप उसे खा सकते हैं राइस या रोटी किसी भी चीज़ के साथ। ये चिली चिकन जो मैंने आपके लिए बनाया है ये आप स्नैक्स में खाएंगे चिली चिकन। और सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड के अंदर ये बिकती है चिली चिकन हमारे यहाँ पे। चिकन हो गए बन के तैयार, करते हैं शार्प प्लेटिंग इसकी। ये देखिए कितना बढ़िया चिली चिकन का कलर आया, आप देखिए सोया सॉस का कलर, रेड चिली पेस्ट, सब चीज़ का कलर इसके अंदर। और अब डालते हैं इसको प्लेट में। कलरफुल वेजिटेबल ना इसके अंदर और भी बढ़िया दिख रही है, रेड येलो ग्रीन सारी चीज़ें। और लास्ट में इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन जो हमने काटे हुए हैं। ऑलमोस्ट चिली चिकन आपका बन के हो गया तैयार। तो मैंने आज आपको बना के दिखाई बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, नाम है चिली चिकन। चिली चिकन कैसे बनता आप देखो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको पता लगे कि चिली चिकन कैसे बनता है और आप इसे अपने घर पे बनाएं बड़े इजी तरीके से। तो ये देखिए कितनी बेहतरीन डिश बन के तैयार हुई है, आप देखो ना कितना कलरफुल येलो रेड ग्रीन और चिली चिकन में जो सोया सॉस और टोमेटो केचप और रेड चिली पेस्ट का जो कलर है, मतलब डिश आ रही उठ के बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको आज की डिश पसंद आए तो प्लीज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर। अगर चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो करें इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो आज की वीडियो के लिए मुझे कमेंट में लिख कर जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी और नई वीडियो आप कौन सा देखने चाहते हैं ये भी बताएं, तो ताकि मैं नई वीडियो आपके अनुसार बनाने की कोशिश करूँगा।
नई वीडियो आने तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आपका दोस्त राज पुंडीर, थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते एक नई वीडियो में नए टाइम के साथ। थैंक यू।